सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और देखिए, आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये 20 मई है, यानी कल तक है फॉर्म अप्लाई करने का डेट। तो सवाल आता है, क्या फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ेगा, क्या फॉर्म अप्लाई करने का डेट आगे जाएगा, या फिर कल ही लास्ट डेट है? इसके साथ में फॉर्म अप्लाई करने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, मतलब एडमिशन कैसे होगा? इसके साथ में आपको पता है एडमिशन लेने के लिए कुछ पैसा भी देना होता है, तो पैसा ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, मतलब एडमिशन का चार्ज कैसे जमा करना है? इसके साथ में एडमिशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब कहने का कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आगे की कहानी क्या है, ये हमें बताइए। ऐसे कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है, जिसमें आपको बताने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के बाद का आगे का क्या प्रोसेस है, और अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, वन बाई वन करके आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ पेपर के न्यूज के साथ, जो कि पेपर का न्यूज आ चुका है आपके लिए पेपर के माध्यम से। क्या है न्यूज, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास आज का एक पेपर का न्यूज है, और ये पेपर का न्यूज मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे पेपर का न्यूज है, और ये आया था दैनिक जागरण के पेपर में। दैनिक जागरण के इस पेपर में देखिए क्या लिखा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में 10,000, तो पीपीयू में नामांकन को आए 85,000 आवेदन। मतलब पटना यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन अप्लाई अभी तक आया है वो 10,000 अप्लाई आ चुका है। सीट क्या है, सीट लगभग 4,500 के आसपास सीट है, मतलब 4,500 के आसपास का सीट है, और 4,500 आसपास की सीट में 10,000 अप्लाई आया, मतलब कि 2 गुना से ज्यादा अभी कॉम्पिटिशन है आपके लिए। इसके साथ में आगे देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया, ताकि चीजें समझ में आ सके। देखिए बताया जा रहा है कि पटना, देखिएगा क्या लिखा जाता है, राजधानी के प्रमुख विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा व पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक एवं 3 वर्षीय स्नातक सेल्फ फाइनेंस कोर्स में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के लिए 10,000 आवेदन आए हैं, ठीक है। ये भी बात जान गया कि कितना आवेदन आया, 10,000 है। देखिएगा पीयू आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित है, ठीक है। पीयू में विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को आवेदन की समीक्षा के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है, और आज रविवार है, आज एकेडमिक काउंसिल की बैठक चल रही है इनसाइड में, और ये डिसीजन हुआ है कि ये जो फॉर्म भरने का डेट है इसको एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। और लगभग ये 10 दिन के आसपास डेट एक्सटेंड होगा, यानी न्यू जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो लगभग आपका 30 मई के आसपास क्या होगा, फॉर्म आपका भराएगा। और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म कितना सबमिट हुआ है, 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है। अब इसी चीज को शॉर्ट व्यू में करते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से इसको करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट ऐसे समझेंगे कि ये हो गया पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन यानी अंडर ग्रेजुएट में 2 चीज आता है, एक आता है रेगुलर बीए बीएससी बीकॉम, और एक आता है वोकेशनल, जिसमें बीबीए बीसीए बीएमसी। ये जो रेगुलर कोर्स है ये 4 साल का है, लेकिन आपका मन करे तो 3 साल में भी पढ़कर छोड़ सकते हैं। बाकी वोकेशनल कोर्स तो 3 साल का ही है, मतलब ये 3 साल ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेगुलर वोकेशनल हो गया। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है, चूंकि पटना यूनिवर्सिटी राजधानी का पूरे बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी का जितना भी सारा कॉलेज है वो प्रॉपर पटना में है, पटना से बाहर कोई कॉलेज भी नहीं है, और जितना भी सारा कॉलेज है वो अशोक राजपथ पे है। और पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज आते हैं, जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल मगध महिला कॉलेज, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स सारे का मिक्स कॉलेज बीएन कॉलेज, इसके साथ में है पटना कॉलेज, इसके साथ में है वाणिज्य महाविद्यालय, और इसके साथ में है पटना साइंस कॉलेज। यानी अभी जो फॉर्म अप्लाई चल रहा है वो 1 2 3 4 5, इस 5 कॉलेज के लिए चल रहा है। तो अगर आपका मन मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेने का रहे, बीएन कॉलेज या पटना कॉलेज या वाणिज्य महाविद्यालय या फिर पटना साइंस कॉलेज, तो जो फॉर्म अप्लाई करने का जो पीयू की तरफ से डेट रखा गया है ये 20 मई तक है, लेकिन इस डेट को 10 दिन के आसपास एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये जो फॉर्म भराएगा अब लगभग 30 मई के आसपास तक फॉर्म भराएगा। और जैसे ही डेट एक्सटेंशन का ऑफिशियल नोटिस आता है, तो फिर मैं कल के एक वीडियो में ला करके आपको वो ऑफिशियल नोटिस दिखा दूंगा, जिसमें बता दूंगा कि डेट इतने दिन तक एग्जैक्टली बढ़ा है। सवाल आता है कि आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, अब आपको आगे के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, मतलब आगे क्या कैसे होगा इसके बारे में। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि इस पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 4-5 कॉलेज है, 5 कॉलेज है जहाँ पे आपका एडमिशन लेने का प्लान होगा। तो अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान है,
पटना यूनिवर्सिटी में, तो क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले प्रोसेस होता है ऑनलाइन अप्लाई करना, वो एक करना। तो ऑनलाइन अप्लाई तो आप कर दिए हैं, जो अप्लाई नहीं किए वो अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा प्रोसेस होता है ML, यानी मेरिट लिस्ट को चेक करना। ML क्या करना है? मेरिट लिस्ट को चेक करना कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, तो ये मेरिट लिस्ट कहाँ आएगा ये भी बताएंगे। तीसरा काम है, अगर आप मेरिट लिस्ट को चेक कर देते हैं तो फिर आपका काम होता है AF, मतलब एडमिशन फी, मतलब आपको एडमिशन का पैसा जमा कर देना है। ये जो एडमिशन का जो पैसा है ये ऑनलाइन जमा होगा, ध्यान रखिएगा कैसे होगा, ऑनलाइन जमा होगा। ये जो मेरिट लिस्ट आएगा ये भी ऑनलाइन होगा, मतलब घर बैठे आप लिस्ट को देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद चौथा काम होगा DV। DV करने का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये काम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। मतलब इस काम को कराने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, तो आप कहीं से भी है DV कराने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और जैसे ही DV कर लीजिएगा, इसके बाद पांचवा प्रोसेस होगा इंडक्शन मीट, IM। IM का मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्शन मीट, मतलब एक दिन प्रोग्राम होता है और ये भी प्रोग्राम होगा ऑफलाइन आपका, ठीक है, इंडक्शन मीट। और इसके बाद आपका ये चौथा पांचवा ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके बाद सिक्स्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा, क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लास कब से स्टार्ट है पटना यूनिवर्सिटी में, ये 4 जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट है। तो अभी 20 मई से लेकर के अभी मैं यहाँ से आपको, यानी लगभग आज से, कल से समझिए, कल से लेकर के अगले 4 जुलाई तक का सारा हिसाब किताब मैं आपको बताने वाला हूँ। हिसाब किताब सही से समझिएगा, अगर हिसाब किताब सही से समझ लीजिएगा तो आगे का सारा कहानी समझ में आ जाएगा। अभी से लेकर के आपके क्लास स्टार्ट होने तक कितना सारा प्रोसेस है ये आप देख रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहला डेट है कि भाई OF, यानी ये जो सबसे पहला जो है ये ऑनलाइन अप्लाई, ये ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट क्या है, तो उम्मीद है कि डेट क्या होगा, 10 दिन तक बढ़ेगा, तो ये उम्मीद है कब तक चला जाएगा, ये लगभग 30 मई तक आपका फॉर्म भरेगा, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात हम लोग का क्या है, मेरिट लिस्ट, कि भाई मेरिट लिस्ट आएगा कैसे, ऑनलाइन कैसे देखना, ये सब बात। तो अभी आपको पता है कि जो पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म भरा रहा है वो पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं तो एडमिशन पोर्टल करके, और ये वाले एडमिशन पोर्टल पे आपको पता है आपका फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। ये वाला एडमिशन पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप इस एडमिशन पोर्टल पे आ सकते हैं। और मेन पेज पे आ जाइएगा, अगर आप रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, वोकेशनल वाले हैं तो वोकेशनल पे क्लिक कीजिएगा। तो जो आपका मेरिट लिस्ट है वो इसी अलर्ट एंड अपडेट के सेक्शन में आ जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऐसे करके लिखा हुआ आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो जब मेरिट लिस्ट आएगा फिर मैं आपको फर्दर बता दूंगा, और उस लिस्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, और उसको देख लीजिएगा आपका नाम है या नहीं है। जैसे मैं पिछले साल का मेरिट लिस्ट आपको दिखाता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन 2023। तो देखिएगा ये मैं पिछले साल के वेबसाइट पर गया हूँ, और पिछले साल की वेबसाइट पर जैसे ही आता हूँ तो देख सकते हैं जो पिछले साल का जो मेरिट लिस्ट था ये इस तरीके से मेरिट लिस्ट आ जाता था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन। इसी तरीके से 2024 का भी मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें सबको बताया रहेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नाम, देख सकते हैं नाम लिखा गया है लकी कुमारी, और देख सकते हैं सारा डिटेल दिया गया, परसेंटेज इनका दिया गया, और इनको बताया गया था कि इनको BN कॉलेज में BA इकोनॉमिक्स मिला है। उसी तरीके से इस साल का भी जो मेरिट लिस्ट है वो इस साल के जो न्यू वेबसाइट है जो पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन का, इस पे आ जाएगा। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा बता देंगे, आप डाउनलोड कीजिएगा और लिस्ट में आप अपना नाम खोज लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरिट लिस्ट ऑनलाइन देखेंगे, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, तो उम्मीद है मेरिट लिस्ट जो आने का जो डेट है वो लगभग 5 से लेकर के 10 जून के आसपास में आएगा, लगभग 7 या 9 जून के आसपास में मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। ये पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिचुएशन बन रहा है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, आगे समझिए। तो मेरिट लिस्ट ऑनलाइन चेक होगा, कहाँ से चेक होगा, तो PU के एडमिशन वेबसाइट से। PU का एडमिशन वेबसाइट कैसा होता है यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जब भी आएगा आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो अब आपका काम है एडमिशन का फी, यानी एडमिशन का फी क्या करना है, जमा करना है। तो जो एडमिशन का पैसा है ये भी ऑनलाइन जमा होगा, और एडमिशन का पैसा कहाँ जमा होगा, तो यही जो मेन साइट है एडमिशन वाला, इस पे आप जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में देख लीजिएगा नाम आ गया तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, और जो फॉर्म भरने के टाइम में जो ID पासवर्ड आया है उस ID पासवर्ड को फिल करके क्या कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए ये भी करके दिखाते हैं। चलिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं नीचे यहाँ पे आपका डिटेल दिखाता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। तो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो ऊपर में देखिए, अभी अगर आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा होम का, फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, पे फी का, प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट प्रेफरेंस, प्रिंट फी रिसिप्ट, इस तरीके से, और लॉगआउट का। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो यहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर का, यानी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा
तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, तो वो वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ साथ में जब आपका मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो यहीं पे एक ऑप्शन और रहेगा, एडमिशन फी, पे एडमिशन फी। तो जो एडमिशन फी का पैसा है वो भी ऑनलाइन पे करना होता है। मतलब कहने का ये है कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो अब आपको जो एडमिशन फी है इसको भरने के लिए क्या करना है, ऑनलाइन पैसा जमा करना है। कहाँ पे पैसा जमा होगा, पीयू के एडमिशन पोर्टल पे, ठीक है, पीएपी यानी पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल पे पैसा जमा होगा। इसके साथ साथ में पैसा जमा कीजिएगा तो एक रिसिप्ट डाउनलोड होगा। कौन सा रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट, यानी जो एडमिशन का पैसा है उसको जमा कीजिएगा तो रिसिप्ट डाउनलोड होगा। लगभग पैसा कितना जमा करना है, तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम, अगर आपका बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं और अगर आप गर्ल्स हैं या फिर अगर आप एससी एसटी हैं तो ध्यान रखिएगा आपको टोटल पैसा देना है 170 रुपये जमा करना है, ठीक है। और अगर आप बॉयज रहिएगा तो आपको पैसा जमा करना है 2255 रुपये, ठीक है। एससी एसटी बॉयज को भी मात्र 170 रुपये, और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको पैसा जमा करना है 2855 रुपये। तो पैसा कितना जमा करना ये भी बता दिए, पैसा ऑनलाइन जमा होगा। कोशिश कीजिएगा पैसा आप अपने अकाउंट से जमा करें, तो जब आपका नाम आएगा तो पैसा वगैरह एडजस्ट आप अकाउंट में कर दीजिएगा। और अगर आपका वोकेशनल कोर्स रहेगा तो बीबीए में जो एडमिशन चार्ज लगेगा वो लगभग 24,940 रुपये लगता है, मतलब लगभग 25,000 के आसपास। जो बीसीए है इसमें एडमिशन चार्ज लगभग 16,000 के आसपास लगेगा। ये सारा पैसा ऑनलाइन जमा करना है, इसलिए पेमेंट आप अकाउंट में एडजस्ट रखिएगा। इसके साथ और भी कोर्स है, जैसे बीएमसी है, बीएमसी के लिए जो लगेगा वो 14K यानी कहने का मतलब 14,000 के आसपास लगेगा। बीबी हो गया, बीसी हो गया। एक और कोर्स होता है बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस, मगध महिला में बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस है, वाणिज्य में भी है। ध्यान रखिएगा अगर आप बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस आपको मिलेगा तो इसका एडमिशन चार्ज है 23,490 यानी अप्रॉक्स 24,000 के आसपास, और बीएसडब्ल्यू के कोर्स में 9,000 के आसपास। मतलब जो भी सारा एडमिशन का चार्ज है इसको लेकर के मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था। तो आप साइट से क्या करेंगे, एक तो आप पैसा जमा कर देंगे, एडमिशन का फी जमा कर दीजिएगा, उसका रिसिप्ट निकलेगा, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ये पहला डॉक्यूमेंट। इसके साथ जो पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई अभी आप कर रहे हैं साइबर कैफे से या खुद से, तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होता है, ये तीसरा डॉक्यूमेंट। इसके साथ में 10th का मार्कशीट, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना, ये चौथा डॉक्यूमेंट। 12th का मार्कशीट और ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है, और फोटोकॉपी ले जाना, यह पांचवा डॉक्यूमेंट। जहां से आप क्लास 12th पढ़े हैं वह स्कूल या कॉलेज आपको सीएलसी देता है या टीसी देता है या एसएलसी देता है, यह छठा डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके साथ में क्या चाहिए, कौन से बोर्ड से आप पढ़ के आए हैं, आसाम बोर्ड है या फिर यूपी बोर्ड है या कौन सा बोर्ड है, तो उसके लिए माइग्रेशन आपको देता है जिस बोर्ड से आप पढ़े हैं, तो ये सातवां डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कौन है भाई, आपको पहचानने के लिए फोटो चाहिए, फोटो कितना चाहिए, 4 फोटो चाहिए, ये आपका आठवां डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं कौन बताएगा, आधार कार्ड बताएगा, तो ये नौवां डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। इसके साथ में आपका क्या कास्ट है, क्या कैटेगरी है, तो इसके लिए कौन बताएगा, कास्ट सर्टिफिकेट बताएगा, ये 10वां डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से लगभग 10 से 11 डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम में लगते हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट फोटोकॉपी ओरिजिनल लेकर के फिर कहाँ चले जाना है, कॉलेज में, किस प्रोसेस कराने के लिए, कौन सा प्रोसेस कराने के लिए, इस प्रोसेस का नाम है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना कहाँ है, तो जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में आप देख लीजिएगा, अलॉटमेंट लेटर में भी दिखा देगा आपको नाम, तो जिस कॉलेज में रहेगा वो डेट वगैरह सब कुछ लिखा होता है, उस डेट पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे कर देता हूँ डेट का। मैंने बताया कि लगभग 7 से 9 जुलाई के आसपास में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा पहले लिस्ट में किनका किनका नाम, किनका किनका एडमिशन होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगभग 7 से 9 जून के आसपास आएगा, लगभग 5 दिन का एडमिशन का टाइम मिलेगा। फिर उम्मीद है कि 17 से लेकर के 21 जून के आसपास में दूसरा मेरिट लिस्ट आ जाए, ठीक है, और इसके बाद फिर से 6-7 दिन का टाइम मिलेगा। फिर उम्मीद है 28 जून के आसपास में तीसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कुल मिलाकर के 3 मेरिट लिस्ट निकलेगा। सीट है लगभग 4500 के आसपास, 4531 के आसपास इस बार सीट बताया जा रहा है, और जो अभी तक फॉर्म अप्लाई आया है वो 10,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई आ चुका है। उम्मीद है 10 दिन और फॉर्म का डेट बढ़ेगा। टोटल हर साल का जो रिकॉर्ड है पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म भराने का वो 30K to 40K के आसपास होता है, 30 से 40 हज़ार के आसपास होता है, और अभी CUET वाले थोड़े से एग्जाम में अपने बिजी है इसलिए वो पटना यूनिवर्सिटी पे ध्यान दे नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है फिर भी लास्ट डेट होते होते तक कम से कम तो पटना यूनिवर्सिटी में 25K यानी 25,000 के आसपास फॉर्म भराएगा। मतलब जो कॉम्पिटिशन है वो लगभग 8 से 9 गुना के आसपास कॉम्पिटिशन होता है इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो पटना यूनिवर्सिटी में कंपटीशन का क्या सिचुएशन आपने समझ लिया, तो ये जो लिस्ट है वो लगभग 3 लिस्ट आएगा, और इसके बाद लगभग 2 या 4 जुलाई के आसपास में आपका इंडक्शन मीट होगा। इंडक्शन मीट करने का मतलब
क्लास का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, जिस दिन आपका वेलकम किया जाएगा आपके सीनियर्स के द्वारा से। तो इंडक्शन मीट कब होगा? लगभग 2 से 4 जुलाई के आसपास, और इसके बाद 4 जुलाई से फिर आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जितना आपका मौज मस्ती है कर लीजिए, फिर 4 जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर 75% अटेंडेंस का मैटर होता है, मतलब ज्यादा आप क्लास बंक नहीं कर सकते। अगर आप क्लास बंक कीजिएगा ज्यादा, तो फिर आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा, फिर आप अटक जाइएगा। इसलिए जो भी करना है अभी आप कर लीजिए, जहां जाना है जा लीजिए। 4 जुलाई से फिर क्लास के लिए आप कंटिन्यू हो जाइएगा। इसलिए आगे की जो पूरी कहानी थी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं सारी कहानी को आपने समझा होगा। इसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर आगे आने वाले अपडेट पे। जैसा ही पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का डेट बढ़ता है, बताएंगे आपको। मेरिट लिस्ट आएगा तो बताएंगे। मतलब अपनी ये जो सेटअप है ये आपके लिए लगातार बनी रहेगी। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक मैं आपको प्रॉपर अपडेट दूंगा। बाकी किसी भी कॉलेज किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एडमिशन आप ले सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन है। अगर मैं बात करूंगा परसेंटेज के बेसिस पे, तो ऐसे आप समझ सकते हैं जिनका 85% प्लस है वो सेफ है। मतलब जिस सब्जेक्ट में कहिएगा वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जो कॉलेज आप कह दीजिए वो कॉलेज मिल जाएगा, जो सब्जेक्ट कहिए वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद में जो 75 प्लस वाले हैं इनके लिए क्या है, इनके लिए कि जो सब्जेक्ट आप कहिएगा वो नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे किसी का मन है बीकॉम रेगुलर लेने का, तो उसको बीकॉम सेल्फ फाइनेंस मिल सकता है। मतलब अगर 75% प्लस है और अगर 85 से कम है तो आप मान के चलिए हो सकता है जो आप लेना चाह रहे वो नहीं भी मिले। इसके अलावा अगर आप 60% प्लस है तो समझ लीजिए आपकी कोई भी बात नहीं चलेगी, जो सबसे लो ग्रेड का पेपर होगा वो पेपर आपको मिलेगा। मतलब 75 से कम से लेकर के 60 के आसपास में है, तो समझ लीजिए ये तीन मैंने बता दिया, ये पूरा सेफ है। ये पूरा सेफ जोन है, जिसका परसेंटेज 85 प्लस है तो इसका मतलब वो सेफ है, जो सब्जेक्ट का चाहिएगा वो मिलेगा। ये जो 75% है ये समझिए सिक्योर है, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ पेपर हो सकता है जो आप चाह रहे वो नहीं भी मिले। और 60% से लेकर के 75 के आसपास करने का मतलब आपकी कोई गारंटी नहीं, मिलेगा पेपर आपको मिल जाएगा, अगर आपको पसंद पड़ेगा तब ले सकते, नहीं तो आप बैकअप प्लान रखिए। मतलब 75% से जो नीचे वाले हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना बैकअप प्लान रखे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई बहुत ज्यादा है, अभी ही फॉर्म अप्लाई हो चुका है, सीट से दुगना फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, बैकअप प्लान रख के चलिएगा, और आपका बैकअप प्लान है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। बाकी पटना के किसी भी कॉलेज, पटना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज, कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं आगे नए वीडियोज में। सो मच, थैंक यू।